नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज़ में। महागठबंधन की करारी हार के बाद आज 29 मई को महागठबंधन की एक बैठक होने वाली है रावड़ी आवास पर। बैठक से पहले रामचंद्र पूर्वे ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुने। 2 बजे से महागठबंधन के सभी नेताओं की बैठक पर मत रखिए और भाई आप हाथ नीचे करोगे बहुत टेंशन लग रहा है। राष्ट्रीय जनता दल विधानमंडल दल के सदस्यों की बैठक होगी 4 बजे। बैठक में किन बातों पर विचार किया? अरे बैठक और हमारे पार्टी के प्रति जो समर्थन था, आकर्षण था, इसके बावजूद परिणाम जो है सो प्रतिकूल क्यों हुआ? कहीं ना कहीं सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा जो खड़ियंकारी तरीके को अपनाया गया, भयंकर रूप से चुनाव के पूर्व, चुनाव के रात्रि में और उसके पहले रात्रि में जो धन बल का प्रयोग हुआ, एक तरह से हमारा जो वोट था उस वोट पर भारी डकैती की गई। इन सारी चीज़ों का मतलब कि सभी हम लोग बूथ वाइज इन सारी चीज़ों की समीक्षा कर रहे हैं और चूंकि राजनीति में खास करके संसदीय लोकतंत्र में जय और पराजय बना रहता है। क्या पार्टी विरोधी का? नहीं, जय पराजय बना रहता है। हम लोग निराश हैं, हतोत्साह नहीं है। डॉक्टर लोहिया का जो निराशा का कर्तव्य है उसके अनुकूल हम लोग इस जो परिणाम जो प्रतिकूल आया है उसको चुनौती के रूप में लेते हैं और अपना जो कहाँ क्या भूल चूक हुई उसका निराकरण और सुधार करते हुए अगला जो चुनाव अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। तस्वीरों में आप देखिए वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी अंदर जा रहे हैं, शरद यादव भी अंदर जा रहे हैं, रामचंद पूर्वे भी अंदर पहुंच चुके हैं और भी महागठबंधन के जो बाकी दल हैं उनके नेता भी अंदर पहुंचेंगे। फिलहाल रामचंद पूर्वे ने अंदर जाने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि जिन कारणों से महागठबंधन की 2019 के लोकसभा चुनावों में करारी हार हुई है उसकी समीक्षा की जा रही है और साथ ही साथ जिस तरह से तेजस्वी यादव पर राजद के ही जो लोग उंगली उठा रहे थे कहीं ना कहीं इन सारी बातों को नकारते हुए 2020 की जो लड़ाई है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए लाइव सिटीज़ .in पर ज़रूर जाएँ। धन्यवाद।